नमस्कार, मैं हूं जोगेंद्र कुमार। सूर्य समाचार के विशेष कार्यक्रम हल्के की हकीकत में हम पहुंचे हैं तो शाम में। ठीक मेरे पीछे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे चौधरी बंसीलाल जी की प्रतिमा लगी हुई है और चौधरी बंसीलाल के नाम से ये चौक है। तो शाम से चौधरी बंसीलाल से लेकर उनके पुत्र चौधरी सुरेंद्र सिंह और फिर बाद में उनकी पुत्र वधु किरण चौधरी यहाँ से चुनाव जीतती रही हैं, हरियाणा में मंत्री पद पर रही। और अब एक बार फिर से परिवर्तन हुआ। किरण चौधरी ने अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ कांग्रेस को अलविदा कह भाजपा को ज्वाइन कर लिया। भाजपा पार्टी ने इस बार श्रुति चौधरी को तोसाम विधानसभा से चुनाव मैदान में उतारा है। हालात क्या हैं तोसाम के, क्योंकि पार्टी बदल चुकी है, चेहरा वही है, यहाँ की जनता किरण चौधरी और उनकी बेटी को कितना समर्थन दे पाएगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन चुनावी सरगर्मियाँ जरूर तोसाम में तेज हो चुकी हैं। तोसाम की जनता का रुख अब किस पार्टी की ओर होगा, किरण चौधरी या उनकी बेटी श्रुति की ओर होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन तोसाम सीट इस समय हॉट सीट में है और हर एक नेता की निगाह तोसाम सीट पर लगी है। कड़ा मुकाबला होगा। तोसाम विधानसभा क्षेत्र में जनता के मुद्दे क्या होंगे, इस बार जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा और किसे यहाँ की जनता हरा कर भेजेगी, अब देखना होगा कि जहाँ की जनता तोसाम क्षेत्र में विकास कार्यों और जो विकास कार्य नहीं हुए उन मुद्दों पर अपनी क्या राय रखती है। चलते हैं जनता के बीच। हम पहुँचे हैं तोसाम विधानसभा क्षेत्र में। इस समय मैं हूँ तोसाम में बंसीलाल चौक पर। बंसीलाल को हरियाणा निर्माता कहा जाता है। हरियाणा के वो मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में रेल मंत्री रहे। यहाँ पर बंसीलाल के साथ साथ चौधरी सुरेंद्र सिंह और फिर किरण चौधरी की राजनीति में सक्रिय भूमिका रही, विधायक रही और इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। लेकिन अब किरण चौधरी ने पार्टी बदल ली है। हालात इस बार क्या हैं जनता से जानते हैं कि तोसाम इस बार किस ओर। तोसाम जी देखिए किरण चौधरी के साथ ही रहेगा, क्योंकि इतने सालों से पहले सुरेंद्र जी ने यहाँ पर काम करा है बहुत ज़्यादा। गांव का लेवल पे देखें तो एक शहर ही है, गांव नाम गांव में आता है, लेकिन यहाँ पे सुविधाएं सभी शहरों वाली हैं और हर घर में मैम ने काम करवाया है। और बीजेपी को भी पता है भाई मैम की यहाँ पे गढ़ है, इसलिए उनको टिकट दी है। दो चाहे थोड़े दिन पहले ही ज्वाइनिंग की थी लेकिन टिकट राज्यसभा में उनको भेजा और उनकी जो श्रुति जी को टिकट दी, क्योंकि पता है कि उनकी घर घर में पैठ है। मुकाबला किससे रहेगा? मुकाबला किसी से भी नहीं है। मुकाबला किसी से भी नहीं, नहीं। यानी कि विकास बोलता है यहाँ। हाँ, विकास भी बोलता है और इतने सालों से जो काम किया है वो काम बोलता है। तो साम विधानसभा को लेकर विकास कार्य है, नेता पार्टी विकास। आप खुद देखो जी, एक गांव होते हुए यहाँ कोर्ट है, SDM बैठते हैं जी, हमारे यहाँ DSP साहब बैठते हैं और आप जहाँ खड़े हो आप ये देखो, घूमने के लिए लोगों के लिए बना रखा है। तो चुनावी माहौल क्या रहेगा इस बार? चुनावी माहौल कुछ नहीं, एक तरफा जीत है श्रुति की बहन जी की। हाँ जी, इतना लगाव किस कारण से? जनता लगाव ऐसा है जी, वो आते जाते रहते हैं, संभालते रहते हैं बीच बीच में, और ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो जो अफवाह है कि पार्टी जाने से वोटर तो वही है जी उनका। क्या कहेंगे आप? विकास कर रखा किरण चौधरी को यहाँ, बहुत घना स्कूल कॉलेज यहाँ सबकी में झील सबकी में बना रखा, विकास हुआ ही जीतेगी श्रुति। श्रुति जीतेगी, उम्मीद क्या है श्रुति से और क्या विकास करवाएगी? विकास करवा रखा ना यहाँ, विकास बहुत करवा रखा। क्या क्या काम हुए यहाँ? स्कूल मने, कॉलेज मने, आरो स्कूल मना, ITI मनी, झील मनी, पार्क मने, सब कुछ। तो दूसरी पार्टी के भी, दूसरी पार्टी के उम्मीदवार भी आएंगे, उनका क्या रहेगा? उनका तो कुछ नहीं मना, विकास उन्होंने कराया, किरण चौधरी को विकास बहुत गुना कराया। तो चुनाव में किसकी बल्ले बल्ले होगी? श्रुति जीतेगी, श्रुति की बल्ले बल्ले होगी। तो सामने बाबा किसको जिता रहे हैं? श्रुति को जिताएंगे, भाजपा को वोट देंगे, भाजपा को देंगे। तो शाम के लोगों से बातचीत हुई, हर
एक मतदाता का, हर एक व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग विचार है। किसी का कहना है कि किरण चौधरी के समय में, बंसीलाल के समय में काफ़ी विकास हुए और विकास के चलते ही वो इस बार भी श्रुति को वोट देंगी, लेकिन देखना होगा कि यहाँ की जनता श्रुति यानी कि भाजपा को वोट देती है या फिर किसी अन्य पार्टी को, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और जब मतगणना होगी उस समय भाग्य का फैसला होगा कि आखिर जीत किसकी हुई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर तोसाम में भी अब चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं, कौन नेता होगा, किसको वोट दिए जाएंगे, किसकी सरकार बनेगी। मैं इस समय हूँ तोसाम विधानसभा क्षेत्र के गांव चंदावास में। मेरे साथ चंदावास गांव के लोग हैं, उनसे जानते हैं कि चुनावी माहौल क्या है। तोसाम विधानसभा में आपका गांव पड़ता है, कौन सा गांव? चंदावासी। चंदावास, तो यहां पर अगर हम बात करें चुनावी चर्चा की, हाँ जी, तो प्रमुख तौर पर किन किन पार्टियों के बीच मुकाबला? मारे तो श्रुति के वोट हैं जी। श्रुति के? हाँ हाँ, बिल्कुल जीते। तीनू पालम। शुभ नाम अपना? रणबीर कोठेरी। रणबीर जी, आपने बहुत चुनाव देखे हैं, दुनिया भी देखी है, पार्टियां भी देखी है, बिल्कुल देखी। इस बार का क्या समीकरण देख रहे हैं? अब की बार कांग्रेस। कांग्रेस, कांग्रेस मुकाबला जो है, मुकाबला दो का है जी, पर किन किन का? भाजपा कांग्रेस का। भाजपा कांग्रेस का। समय बताएगा कि ये गांव किस पार्टी और किस नेता के साथ होगा। मैं इस समय हूँ विधानसभा में और सूर्या समाचार का विशेष कार्यक्रम जिसमें हम आपको विधानसभा में क्या विकास कार्य हुए, क्या नहीं हुए, किस विधानसभा में किस पार्टी की पकड़ है, कौन सी पार्टी कमज़ोर है, मुद्दे क्या हैं, उन तमाम मुद्दों की चर्चाओं पर ये कार्यक्रम दिखा रहे हैं। आपसे जानेंगे कि तोसाम में इस बार जो चुनाव है हरियाणा के, तो तोसाम विधानसभा में किस तरह के मुद्दे हैं? मुद्दा तो वो तो विकास का था, मैडम ने कराया विकास, लेकिन ये पार्टी बदल दी उसने, वहाँ तो उसको कुछ नहीं लगा। पूरा तो लहर तो कांग्रेस की है। लहर कांग्रेस की, लहर कार्य करे खूब विकास के मैडम ने। और जानते हैं, बताइए आप क्या तोसाम को कैसे देखते हैं? मैं कांग्रेस के वोट जाएंगे। कांग्रेस के वोट हैं। तो जब आपके यहाँ किरण चौधरी यहाँ से विधायक थी कांग्रेस के रूप में, आज वो बीजेपी में है, तो वोट कहाँ जाएगा? तो वोट अब तो मन बना लिया जी कांग्रेस का। किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं? तोसाम में है हम, आपके हलके में है, यहाँ पर क्या कहता है तोसाम इस बार? तोसाम का तो मेन मुद्दा है जी बंसीलाल परिवार और उसके अगेंस्ट का परिवार। यहाँ दो तरह की वोट है जी, एक किरण के पक्ष के, एक किरण के विरोध के, और सारा हलका किरण चौधरी के साथ है। सिर्फ एक ही टसल है कि भाई कभी हम कांग्रेस की वो बन जाए तो हम पीछे नहीं रह जाए, जबकि अभी तो हालात पता ही नहीं किसकी सरकार बनने जा रही है। अब उन्होंने तो किरण चौधरी ने, श्रुति चौधरी ने पार्टी बदल ली है, उसके बाद परिवर्तन क्या है? नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, उसके साथ तो जो वोट है वो लगभग श्रुति चौधरी बीजेपी से विधायक के टिकट उन्हें मिली है। हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया वोटों से जीतेगी, बीजेपी की जीत होगी। कारण क्या है? कारण यही है कि यहाँ बीजेपी का और कांग्रेस का मतलब नहीं, या को बंसीलाल परिवार के साथ वोट है, व्यक्तिगत वोट ज़्यादा है। हाँ, बीजेपी कांग्रेस में रहते हुए किरण ने जो विकास कार्य क्षेत्र में किए थे, क्या बीजेपी में जाने के बाद उसका बेनिफिट श्रुति को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अभी पीछे 2 महीने हुए हैं इसको जाए, एक बार कहीं बैठे थे तो सीएम साहब ने ये कहा, बोला किरण मेरे तो विधायक ने 5 साल में इतने काम नहीं करवाए या लिस्ट लेके नहीं आई जितने कि आप 2 महीने में मेरे पास आ गई। उसका तो काम का तो स्टेटस है ही अलग से, उसको पता है काम कैसे किया जाता है। यानी विकास के साथ है ये क्षेत्र और परिवार बंसीलाल के साथ में है। हाँ, बंसीलाल परिवार को छोड़ के किसी ने कोई काम नहीं करवाया, और किरण ने तो सबको, बंसीलाल को भी पीछे छोड़ दिया, बंसीलाल को भी पीछे छोड़ दिया काम करने में। भाजपा प्रत्याशी के तौर पर श्रुति को कितना समर्थन दे पाती है?